जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी बच्चों, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के, हमारी दोबारा से स्टार्ट कर दे प्रीवियस ईयर के थर्ड पार्ट की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकस, फोकस के साथ क्या पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकस के साथ ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी जब उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, सो दैट इट्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन। अब देखिए फोकस के कंपेयरिंग में मुझे दो इमेजेस को ढूंढना है, यहाँ तीन इमेजेस बनती है फोकस को अगर देखें, ठीक है, वैसे तो छह बनती है, आपको फोकस उसने हिंट दी है, फोकस के लेफ्ट में, फोकस के राइट में और फोकस पे, ठीक है, तो तीन इमेजें बनती हैं। तो देख लेते हैं इधर वाली सिक्स इमेज जो बनती है, सिक्स पोजीशन की जो इसके जस्ट बैक में बनती है वो वर्चुअल बनती है, तो दैट इज रियल, क्वेश्चन रियल पे है तो ये नहीं बनेगी। फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ की जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इन्फिनिटी पे जाके बनती है, मिस इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी मैग्नीज बनती है, तो हाईली मैग्नीफाइड कहलाई जाती है, बस मैग्नीफाइड नहीं कहलाई जाती, तो दैट इज़ योर फोर्थ पोजीशन। तो ये क्वेश्चन सारा कहाँ गया, फोर्थ पोजीशन में, सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड 2F। ओके, देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसके फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, टू ऑब्टेन रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F1 सो दैट द रेंज विल बी 20 to 40, मतलब ये पूरी कितनी बन जाएगी, इसकी डबल बन जाती है 2F की 40, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये इसकी जस्ट डबल होता है 2F, इसलिए F और इसे 2F कहा गया है, तो ये इस बीच में कहीं 20 और 40 के बीच में रखा होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, तो बच्चों पावर ऑफ लेंस होती है 1/F, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/F, P इज द पावर ऑफ द लेंस एंड F इज फोकल लेंथ, ठीक है। आगे एक बात करें, व्हाट डज इट साइन पॉजिटिव नेगेटिव, P आपसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बट इस P का डिपेंडेंसी किसके पास है बच्चों, F के पास, तो जहां F नेगेटिव होता है वहां P भी नेगेटिव कहलाया जाता है, जहां F पॉजिटिव होता है वहां P भी पॉजिटिव होता है। तो देखिए F नेगेटिव किसके लिए होता है, वेरी गुड, किसके लिए, कनकेव लेंस, और ये किसके लिए होता है पॉजिटिव, कनवेक्स लेंस। देख लेते क्वेश्चन आगे, स्टेट SI यूनिट, इस P की SI यूनिट मैंने अलग से कराई हुई है पूरी, उसमें P की यूनिट होती है, यहां से 1 मीटर भी कह सकते हैं और 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर होती है इसकी यूनिट, या तो डायोप्टर कह लीजिए या 1 मीटर कह लीजिए, दोनों यूनिट पावर की है, बट उसने SI लगा दिया है, SI वर्ड से आपको बस डायोप्टर को बताना है। आगे कह रहा, हाउ इज द यूनिट रिलेटेड टू फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ का मैंने बता दिया 1 मीटर इज इक्वल टू 1/m, ये फोकल लेंथ की यूनिट थी, यहाँ से रिलेशन बन चुका है। तो अब आंसर देख लेते हैं, आंसर में क्या क्या बताया है, पहले पार्ट का आंसर, व्हाट मीन द फोकस, तो ये वाला बताओगे आप कि पावर ऑफ एनी लेंस इज डिफाइंड, इज डिफाइंड को इक्वल साइन से लिखते हैं बच्चों फॉर्मूले में, और उसमें इज डिफाइंड, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड पर यूनिट कहते हैं इसे, पर यूनिट फोकल लेंथ, तो दैट विल बी डेफिनेशन, इसने जो भी लिख रहा है वो भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये वाली डेफिनेशन है। अब आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो देखिए यहाँ पर इसने बताया द नेगेटिव मीन्स कनकेव एंड द पॉजिटिव मीन्स इफ द पावर इज पॉजिटिव देन मीन्स कन्वेक्स, तो ये भी आप लिख देंगे कोई बड़ी बात नहीं है। अब डायोप्टर वाला खेल इसने यहाँ पर लिखा है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, जो भी यहाँ से बताया था, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल लेंस, फोकल लेंथ डिफाइन कीजिए स्पेरिकल लेंथ की कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये दोनों होती है लेंस में, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, इसे वो डिफाइन करने के लिए आपसे कह रहा है, तो आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल, सॉरी लेंथ पूछी थी इसने, मतलब कह रहा था स्पेरिकल लेंस कितना कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे
कन्वेक्स लेंस बन चुका है आपका। तो कहना चाहता है ये एफ, यहाँ एफ था, इसका सेंटर 2F है, ठीक है। तो पूछना चाह रहा था ये डिस्टेंस क्या है फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हो आप, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये इसने डिफाइन कर दिया बच्चों। ओके, नेक्स्ट है ए डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट आपको पहले बताया था, डाइवर्जेंट कौन होता है, वेरी गुड, लेंस में होता है कनकेव, ठीक है, और मिरर में होता है कनवैक्स। मिरर के लिए कनवैक्स और कनकेव लेंस में, ठीक है, जस्ट अपोजिट होते हैं, मिरर में कन्वैक्स, इसमें कनकेव। ओके, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ फोक एफ की है, जो एफ कौन है कन्वैक्स, तो ये -30 लिख देंगे आप। ओके, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट देखिए, यहाँ कह रहा व्हाट वुड बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब ये एच दिया हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट से मैं समझ गया ये एच है। ओके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब आपका जो लेंस होता है, एफ हो गया आपके पास -30, एच हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रह गए। व्हाट्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर अवे द लेंस, वो 15 सेंटीमीटर बन चुकी है दूर किससे, लेंस से। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो क्या है कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये था डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ आपका ये रहा 30/F, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब जो आपकी इमेज बनेगी, वो इमेज जो बननी चाहिए वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये v आएगा -15 सेंटीमीटर। तो u वो पूछ रहा है, तो आप मिरर का लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u। f आपको यहाँ पर है, v यहाँ पर है, u निकालना है, तो u को इधर ले आइए, तो 1/u = 1/v - 1/f, v माइनस का होगा -15 रख देना, और माइनस एफ भी ऑलरेडी माइनस है, तो 1/- कितना रखेंगे एफ दे रखा था -30, तो बच्चों ध्यान देना, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर लोगे, ये माइनस फोकल लेंथ का था और ये माइनस फॉर्मूले का था, तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अब इसका सॉल्यूशन आप निकाल ही सकते हैं, -1/15 + 1/30, और ये 1/u के इक्वल है, जिसे u के इक्वल बनाओगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, और सॉल्यूशन दिखा रखा है बुक में। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, अब फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो है, साइज ऑफ इमेज मतलब एच डैश निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास m आ जाए तो m का फॉर्मूला होता है h/h, और इसे फॉर्मूले को v/u में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आपके पास v भी आ जाएगा, u भी आ जाएगा, h आपके पास है, तो h डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v u * h, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो h डैश भी निकालना आ गया आपके पास, v भी निकालना आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट को, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज अबव। तो आपको ये क्लियर हो चुका है, आपका वी 15 आ रहा है, एफ आपके पास 30 है, एफ 30 है, वी 15 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कहीं अगर आप ऑब्जेक्ट रख देना तो उसकी इमेज यहाँ कहीं ना कहीं बन जाएगी, ठीक है, 15 पे, तो ये भी हो जाएगा। आपको पता है इसमें दो ही होते हैं केस, इन्फिनिटी 1, और यहाँ कहीं कर भी रख सकते थे आप 2, और जिनकी इन्फिनिटी वाली बनेगी फोकस पे यहाँ पर, और जो यहाँ कहीं पर भी रखा होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनते हैं, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस आपकी इस वाले लेंस की 6th पोजीशन मानी गई है बच्चों। आपको ट्रिक से क्लियर है कि इमेज क्या बनेगी, पीछे डैश का मतलब वर्चुअल, और 6 मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब क्लियर था कि बड़ी बनेगी, देख लीजिए ये बनी हुई ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी गई है, पीछे बनाई गई है, लाइन 2 यूज़ की है, एक पैलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑप्टिकल सेंटर, ऐसी 3 लाइन होती है आपके पास, पैलर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाली। फोकस वाली आपने यूज़ नहीं करी क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे था, तो ये रे डायग्राम बन गया, बहुत बढ़िया। अब कहता है इन द अबव रे डायग्राम द ऑब्जेक्ट यू द इमेज डिस्टेंस वी विद देयर प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन से दिखाइए कि क्या होंगी,
ठीक है, पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी। एंड स्टेट हाउ द डिस्टेंस आर लेड टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कैसे करेगी ऑफ द कन्वेक्स लेंस इन द केस। तो देखिए आप इसे इसे कहेंगे F और इसे कहेंगे V, ठीक है, सॉरी इसे कहेंगे U और इसे कहेंगे आप V। तो ये सारा रिलेशन हो गया, V नेगेटिव रहेगा, F नेगेटिव रहेगा, सॉरी F पॉजिटिव रहेगा, U नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला जैसे इसने बना दिया, मतलब इससे मुझे क्लियर हुआ U भी नेगेटिव लेना है मुझे, V भी मुझे नेगेटिव लेना है, F मुझे पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव क्यों लेना है, सर ने तो लेफ्ट साइड की सभी चीज़ों को नेगेटिव बताया था, तो ये लेंस की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा। बाकी देख लेते हैं, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिया, फॉर्मूले में आपने 1/v को एक तरफ किया, सॉरी 1/v को एजिटिव रहने दिया, u को आपने माइनस रख दिया, v को भी माइनस रखा हुआ है यहाँ पर, -1/v, यहाँ -1/u इक्वल टू 1/f। फिर ये बच गया आपके पास, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया है, और -1/u इसका एलसीएम निकाल दें, ये निकल के आपका आ गया। तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे इसे। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या था, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी काफ़ी बार, तीसरी बार आया है, फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन इज -1 ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल लेंथ। तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हमें पता है कि अब m कितना है, m हमें पता -1 है, u -20 है, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू v/u, m -1 है, v हमें पता है, u हमें पता है कितना है -20, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +20। तो v निकल गया, v के बाद अच्छा इसे पावर ऑफ लेंस पूछी है, हमारे पास u भी आ चुका है, v भी आ चुका है, लेंस फॉर्मूले में रखेंगे fi 1/v - 1/u, तो v हमारे पास है, u हमारे पास है, तो f निकल के आ जाएगा। जब f निकल के आ जाएगा तो पावर का फॉर्मूला कहता है 1/f, तो f को डाल देंगे तो पावर भी निकल के आ जाएगी। ये स्टेप से बाकी कैलकुलेशन है जो यहाँ आपको डायग्राम में दिख जाएगी, नोट्स में दिख जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज मीन बाय, देखिए अगेन पावर ऑफ लेंस को पूछा गया है, डिफाइन द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो पावर ऑफ लेंस इज 1/f, ठीक है, यूनिट क्या होती है पावर की, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसे डिफाइन कैसे करूंगा सर लैंग्वेज में, बहुत ईजी है, देखिए इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। तो पहले आपको कभी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी तो पहले यूनिट का नाम बोलना, फिर बाद में आप क्वांटिटी का नाम बोलना। क्वांटिटी क्या होती है, जैसे पावर, पावर क्वांटिटी है, फोकल क्वांटिटी है, डायोप्टर यूनिट है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो अब बनाता हूँ इससे, पहले यूनिट को डिफाइन करूंगा, यूनिट डायोप्टर, वन को यूनिट कहा जाता है, वन को यूनिट वर्ड कहा जाता है, वन को मैथमेटिक्स में यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट डायोप्टर इज डिफाइंड इक्वल को इज डिफाइन कहा गया है, पर यूनिट इसे पर यूनिट कहा गया है, 1 मीटर फोकल लेंथ या यूनिट फोकल लेंथ, वन को नहीं कहूँगा, 1 यूनिट फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन बन गई ना, कैसे बनाई, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट डायोप्टर इज डिफाइंड पर यूनिट यूनिट मीटर फोकल लेंथ। तो ये आप यहाँ से भी देख लेना, वरना डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं, यू हैव टू लेंस ए एंड बी, आपके पास दो लेंस है ए और बी, फोकल लेंथ है -10 और +10, ठीक है, दो फोकल लेंथ है माइनस और प्लस, रिस्पेक्टिवली स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। पावर कैसी होगी, अगर एफ आपका माइनस है, एफ अभी मैंने बताया माइनस है, तो पी भी क्या होगा माइनस, अगर आपका एफ पॉजिटिव है तो पी भी क्या होगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसके लिए है, नेगेटिव इसके लिए है। अब जिसका एफ पॉजिटिव होता है उसे कहा गया कन्वेक्स लेंस, और जिसका होता है नेगेटिव उसे कहा गया कनकेव लेंस। तो आपको इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। स्टेट द नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस, नेचर बता दोगे आप, डाइवर्जिंग, नेचर में मतलब यहाँ पर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग को लेकर है। तो डाइवर्जिंग का आपको बताया, भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कनकेव का होता है डाइवर्जिंग लेंस लेंस में, और कन्वेक्स का होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये भी हो गया। विच ऑफ द टू लेंस विल फॉर्म द वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस 8 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो इसका मतलब कौन सा करेगा, ये दोनों ही करते हैं बच्चों, मतलब कह रहा है कि अगर इसको आप इस वाले डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो फोकल लेंथ उसने दी है यहाँ तक, यहाँ 10, ठीक है, इस वाले से करेंगे
तो यहाँ फोकल लेंथ है और ये आपको दी हुई है 10। अब कह रहा है 8 पे ऑब्जेक्ट रख दूँ, 8 पे ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो देखिए इसका भी वर्चुअल आएगा क्योंकि 6th पोजीशन है और ये तो ऑलरेडी 6th पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका भी क्या आएगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल दोनों में होगा, तो इसे पूछा विच ऑफ द टू लेंस विल फॉर्म ए वर्चुअल, तो वर्चुअल तो दोनों में ही बनेगी। बात उसने नेक्स्ट वर्ड की करी है मैग्नीफाइड, तो इसकी जो इमेजेस होती है वो सेकेंड पोजीशन की इमेजेस होती है, वो मैंने बताया था डिमनिस होती है, मेरे डायग्राम में बता दिया था डिमनिस होती है, तो डिमनिस होने के कारण ये नहीं है, कौन है, केस ये है, ठीक है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, आप लोग कर दोगे, कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे हम, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज एंड वाई, सॉरी, स्टूडेंट वॉन्ट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग ए मिरर, मिरर ले रहा है और उस मिरर को, कैंडल को वो किस पे रखना चाहता है, वॉल पे, वॉल मतलब स्क्रीन, स्क्रीन का दूसरा नाम होता है बच्चों वॉल, तो वॉल पे रख ले कोई बड़ी बात नहीं, स्क्रीन पे रखना है ना कुल मिला के, स्क्रीन पे रख ले, स्क्रीन किस पे आती है, स्क्रीन वाली इमेजेस कैसी होती है, रियल, ये भी मुझे क्लियर था। तो भाई अब मुझे ऐसा मिरर चूज करना है, ऐसा मिरर चूज करना है जो कैसी इमेज देगा, रियल, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे रियल तो एक ही देता है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो पहले का आंसर है विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड वाई, तो ये क्लियर है, ही विल यूज कनकेव मिरर बिकॉज स्क्रीन या वॉल इज कंटेनिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट है एट वॉट डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर शुड ही प्लेस द कैंडल ऑफ द फ्लेम टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज उसे चाहिए, तो आपको ये सारी इमेजों की ट्रिक हमने बताई हुई है, जैसे कि मैं दोबारा से बता देता हूँ, एफ टू एफ और यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो शायद ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा हो, तो मैं इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, F टू, सॉरी यहाँ पर C कहलाया जाता है, C F और यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक इमेज इन्फिनिटी पे होती है, दूसरी यहाँ हो सकती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो अब देखिए ये हाईली डिमनिस होती है, ये डिमनिस होती है, ऐसे साइज गिरता है, इमेज की हाइट का साइज गिरता है, हाईली डिमनिस बहुत छोटी, डिमनिस छोटी से बड़ी, थर्ड इक्वल, फोर्थ वाली मैग्नीफाइड, फिफ्थ वाली हाईली मैग्नीफाइड, ये डबल ऑफ द साइज, ठीक है, या मैग्नीफाइड पर वर्चुअल, सिक्स्थ वाले। तो उसने कौन सी पूछी है बच्चों आपसे, मैग्नीफाइड, मतलब फोर्थ वाली जो है आपको ड्रॉ करनी है, जैसे इसने फोकस और सी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया है और रे डायग्राम बना दिया। रे डायग्राम की ट्रिक आप हमारी क्लास में देख सकते हैं, पुरानी वीडियोज में यूट्यूब पे हैं, उनमें आप देख लेना। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम हो गया। कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट डिमनिश इमेज, क्या वो इस मिरर को यूज कर पाएगा, ऑफ द कैंडल, कैंडल के फ्लेम को ऑन द स्क्रीन ऑफ द वॉल, स्टेट हाउ एंड इफ यूर आंसर इज येस वाई नॉट इफ यूर आंसर इज नो। तो येस आंसर है, आंसर कहाँ होना चाहिए, सी के बाद ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, सी के बाद वाला ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है बच्चों, यहाँ पर बनता है। कोई बच्चा कह रहा है इन्फिनिटी पे नहीं रख दूँ, सर इन्फिनिटी पे रख सकते हो, बट इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हाईली डिमनिस होता है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिमनिस पूछा गया था यहाँ पर, डिमनिस ओनली डिमनिस, अगर हाईली डिमनिस पूछता तो मैं कहता इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, अब उसने डिमनिस पूछा है तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी है बच्चों, और डिमनिस बन रहा है, तो यस आंसर होगा, क्यों, क्योंकि रियल इमेज मिलेगी, क्योंकि रियल इमेज बनेगी, डिमनिस बनेगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। तो आंसर तो आप इसमें से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी डिजायर है कि एक इरेक्ट इमेज मिले, इरेक्ट मतलब वर्चुअल। आप कह रहे होंगे आपको कैसे पता चला, क्योंकि वर्चुअल चीज इरेक्ट होती है बच्चों, तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गई। यूज द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर लेगा और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी। तो अब जैसे ही उसने कहा कनकेव लेंस मिरर लेगा, ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फोकल लेंथ उसने 12 सेंटीमीटर दी है, जो माइनस की होगी क्योंकि कनकेव है, तो वो चाहता वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए बच्चों, जिसकी इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। रे डायग्राम्स की लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारा आप रे डायग्राम यहाँ पर देखिए, दिखा रखा है नीचे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछी है ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आप बता दोगे कि जो रेंज है वो कैसी होगी। वो रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में होनी चाहिए। यहाँ जीरो है, यहाँ 12 पे ख़त्म हो रहा, कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन था फोकल लेंथ। तो जीरो से 12 के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो ये रेंज ऑफ द होगी। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो रे डायग्राम भी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ होगी इफ द इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की 24 है, और वो कह रहा है कि 24 पे ही ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ चुका है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, 24 क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी 12। अब ये 2f इसका डबल होता है 24। अब वो कह रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट भी 24 पे रख दिया है, तो इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट किस पे रख दिया, c पे। तो अब पूछ रहा है कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, जस्टिफाई योर आंसर एंड शो द पोजीशन ऑफ द पोल, पोल की पोजीशन दिखाइए। तो पोल यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज आप दिखा देंगे, रे डायग्राम आप बना सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अबव द रे डायग्राम, तो ये हो गया ये वाला, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पोल दिखा देना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन हो चुका है कम्प्लीट। और कुछ नहीं पूछा, नहीं और कुछ नहीं पूछा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्टूडेंट वॉन्ट टू प्रोजेक्ट इमेज ऑफ द कैंडल, स्टूडेंट वॉन्ट टू प्रोजेक्ट इमेज ऑफ द कैंडल ऑफ द फ्लेम ऑफ द वॉल ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी बाई यूजिंग लेंस। अब वो लेंस यूज कर रहा है, बट एक कंडीशन उसने फिर रखी है, इमेज इमेज कैंडल की किस पे होनी चाहिए, वॉल पे, वॉल मतलब स्क्रीन पे, अभी थोड़ी देर पहले किया, स्क्रीन पे जो भी इमेज होगी कैसी होगी, रियल। तो रियल लेंस कौन सा है जो इमेज बनाता है बच्चों, आपको इतना तो कन्फर्म हो चुका होगा, कन्वेक्स लेंस है। तो अब देख लेते हैं विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज एंड वाई। तो ये मुझे ट्रिक से क्लियर हो गया कि भाई वॉल है तो स्क्रीन है, स्क्रीन तो रियल, कन्वेक्स तो मैं लिख दूंगा, ही विल यूज कन्वेक्स लेंस बिकॉज कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन वॉल या स्क्रीन। तो ये हो गया आंसर। सेकंड को देख लीजिए, एट व्हाट डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ द फोकल लेंथ एफ शुड ही प्लेस कैंडल फ्लेम सो गेट डिम मैग्नीफाइड इमेज और डिमनिस इमेज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिमनिस चाहिए मैग्नीफाइड चाहिए, तो आपको रे डायग्राम के पूरे चीज आनी चाहिए, एफ टू एफ इन्फिनिटी। ठीक है, डिमनिस चाहिए तो सॉरी मैग्नीफाइड चाहिए, तो देखिए मैग्नीफाइड कहाँ कहाँ बनती है, फोर्थ की मैग्नीफाइड होती, जैसे ऑब्जेक्ट पीछे से हाइट गिरता है अपनी नीचे नीचे, सबसे फर्स्ट वाले की हाईली डिमनिस होती है, ठीक है, सेकंड वाले की डिमनिस होती है, थर्ड वाले की इक्वल होती है, फोर्थ वाले की मैग्नीफाइड होती है, फिफ्थ वाले की हाईली मैग्नीफाइड होती है, और सिक्स्थ वाले की आपकी डबल होती है, डबल, ठीक है, डबल इन साइज। तो अब बताइए मैग्नीफाइड के लिए कौन सा केस ले लेंगे आप, फोर्थ। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये वर्ड्स नीचे की तरफ घटेंगे, हाईली डिमनिस इमेज हाईली डिमनिस होगी, डिमनिस होगी इक्वल होगी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी होगी, सिक्स्थ वाली डबल होगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, दोनों डिमनिस और इमेज आप ये ले लेंगे। ड्रॉ द रे डायग्राम टू फॉर्मेशन द इमेज इन ईच केस, तो दोनों केस के आपके रे डायग्राम बना देंगे। इसने नहीं बना रखे क्योंकि आप लोगों को आते हैं और ये आप बुक से निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है, तो एफ पॉजिटिव रहेगा 10 सेंटीमीटर पे। ओके, इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से, अच्छा जी वो कह रहा है वन हाफ ऑफ द मिरर इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, मतलब हाफ, ये वर्ड तो बहुत घुमा गया, अगर आप इसे इग्नोर कर जाओगे तो बहुत पछताओगे, तो कवर कर दिया उसने। कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस द इमेज कंप्लीट द ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर रे डायग्राम है, आपने हमेशा रेज को ऊपर से निकाला है सभी रे डायग्राम्स में, तो हाँ यस इमेज कैन फॉर्म्ड। ठीक है, सेकंड है कंप्लीट द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो यू है वो 30 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, यू की वैल्यू डाली हुई है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्वेश्चन में यू निकाल लेंगे। रे डायग्राम आप कोई सा भी ले सकते थे, इसने ये वाला क्यों लिया है, क्योंकि इसे यहाँ पर बॉन्ड किया गया है कि 10 फोकल लेंथ है और 30 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 30 का मतलब है यहाँ तक 10, यहाँ तक 20, 20 के बाद ऑब्जेक्ट है, और 20 के बाद वाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है सेकंड पोजीशन, जिस पे इमेज कैसी बनती है, अभी बात हुई थी हमारी डिमनेस। तो ये आप लोग कर लेंगे
ये डायग्राम है जस्ट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब सीधा खड़ा करके रख दिया, ये परपेंडिकुलर है। कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो भी लेंथ है, नया लेंस है, ये वाला लेंस नहीं है, जिसका एफ 20 सेंटीमीटर है। ए टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ऐसा कन्वेक्स का तो पॉजिटिव ही रहेगा, कन्वेक्स से मुझे पता है कि एफ पॉजिटिव रहेगा, अगर कनकेव होता तो मैं एफ को नेगेटिव ले लेता। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माइनस का ले लूँगा। फाइंड नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, अब कैसे बताओगे नेचर साइज, तो नेचर में आप एम निकालिए, एम के आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव, पोजिशन में आप वी निकाल के बताएंगे उसे, साइज में आप उसे एच डैश निकाल के बताएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन है, एम के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, एम के लिए फॉर्मूला ले लीजिए वी बाय यू, वी कैसे निकालेंगे, एफ भी दे रखा है यू भी दे रखा है, 1/F = 1/V - 1/U, तो यहाँ से V निकल जाएगा, F और U की वैल्यू गिवन है, उसे यहाँ रख देंगे तो M निकल जाएगा, M का पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज, नेगेटिव आया तो रियल इमेज। H डैश कहाँ से निकालूंगा, तो H डैश यहीं से निकाल लेंगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूला H डैश अपॉन H भी होता है, तो या तो M की वैल्यू से निकाल लेना H डैश अपॉन H इजकल टू M, या फिर इससे निकालना तो H डैश अपॉन H इजकल टू V बाय यू, एज यू विश। देखिए निकाला हुआ है बकायदा नीचे, तो ये क्वेश्चन भी हमारी तरफ से हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के लास्ट प्रीवियस ईयर्स के वो ख़त्म होने के लिए है, ये 2019 का क्वेश्चन था। देखिए ए स्टूडेंट होल्ड ए मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ द मिरर टूवर्ड द सन, मतलब एक बच्चा है सन यहाँ पर है, उसने अपने लेंस को मिरर को लिया है, सन की तरफ कर दिया है, मैंने ये डायरेक्ट करके क्यों बना दिया, मुझे पता था, आपको मैं बता देता हूँ क्यों बनाया है उसने। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द सीट ऑफ द पेपर हेल्ड क्लोज टू मिरर, फिर उसने क्या किया, ऐसे एक मिरर रखा था, लाइट्स आएंगी, उसने पेपर को यहाँ मिरर के बीच में कहीं रखा है। What should he do टू बर्न द पेपर, वो पेपर को बर्न कैसे करे, तो इसके लिए पेपर की जो पोजीशन है वो क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों को पता है इन्फिनिटी पे सूरज होगा, इसका मतलब सूरज को हम कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी लाइंस जितनी भी होंगी मिरर पे वो कहाँ चलती है, वेरी गुड, किस पे गिरती है, फोकस पे, तो इसका मतलब पेपर कहाँ होना चाहिए, फोकस पे, क्योंकि जितनी भी लाइट्स वो सारी कंबाइन हो जाएंगी फोकस पे। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर और की तो लाइट कंबाइन हो रही थी, बट सबसे ज़्यादा लाइट्स जो कंबाइन होती हैं वो फोकस पे कंबाइन होती है, पैरेलल लाइंस, तो इसलिए मैं इसे क्या करूँगा, फोकस पे पेपर रख दूंगा। विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, तो आपको पता है ऐसा मिरर तो एक ही है जो कन्वर्जिंग मिरर हो, ये कन्वर्जिंग मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर ओनली वन मिरर दैट इज कनकेव मिरर, तो ये भी हो गया। विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका हमें बताना पड़ेगा, हाँ वो डिटरमाइन कर सकता है फोकल लेंथ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे, उसको देख लीजिए। मैं आपको पहले दो आंसर क्लियर कर देता हूँ, ये दे थर्ड आंसर पे आ जाएंगे हम, आपका यहाँ ये लोड हो गया क्वेश्चन, तो लिस्ट द ये यहाँ पर आ गया, यस द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द पेपर अप्रोक्सीमेट गिवन बाय द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब ये दूरी कितनी होगी जितनी फोकल लेंथ होगी आपकी, जितनी भी आपकी फोकल लेंथ होगी उसी दूरी पे आपने पेपर रखा हुआ है, तो ये भी आपका इजीली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फोर कैरेक्टरिस्टिक, लिस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या कैसे इमेज बनाता है, प्लेन मिरर ये वाला मिरर होता है बच्चों, ये कैसी इमेज बनाता है, कभी हमेशा आप इसके सामने खड़े होते हो तो इसकी जो इमेज है आपको इसमें अंदर दिखाई देती है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, जितनी डिस्टेंस ये होगी, जितनी भी डिस्टेंस ये होगी, मतलब ये यू कहलाई जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी जिसे वी कहेंगे आप, तो इसका मतलब यू इजकल टू वी होता है प्लेन मिरर में, पहली बात। तो देखिए इसने क्या कहा है, अच्छा साइज के लिए क्या कहा है, इसमें अगर एच हाइट है तो इसमें भी हाइट कितनी होगी एच, ठीक है, तो इसने पहला साइज के लिए कहा है द इमेज इज हैव सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना आप बड़े होते हो उतने उसमें अंदर दिखाई देते हैं। इरेक्ट का मतलब कैसे, खड़ी सीधी है, सीधी इमेज को यहाँ पर इरेक्ट कहा जाता है बच्चों, ठीक है, इरेक्ट भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट है लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, अगर इस बच्चे ने अपने यहाँ से लेफ्ट हैंड दिखाया है, ये लेफ्ट हैंड को कर रहा है, तो वहाँ से ऐसे लगेगा कि वो राइट है,
अब कह रहे होंगे है तो वो हमारा ही, हमने जब लेफ्ट उठाया वो राइट कैसे, उसे ध्यान से देखिए, वो जस्ट आपके अपोजिट है। अपने एक दोस्त को लीजिए, मिरर की जगह खड़ा कर दीजिए, आप लेफ्ट उठाइए उससे कीजिए, अपना लेफ्ट उठाए तो ऐसा लगेगा आपके अपोजिट उठाया, तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी इमेज नहीं बनी है, बस जो ये लेफ्ट उठाता है वो राइट उठाता है, अगर वो राइट उठाता है ये लेफ्ट उठाता है। तो अब फिर लास्ट है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के बारे में लिखा है कि दोनों की डिस्टेंस क्या होगी सेम। तो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 जस्ट अभी गई है। अब बात करते हैं, ए टेन सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 12। कन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब एफ होगा पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर, यू कितना होगा -18 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ, नेचर मतलब एम को देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर एम आपका पॉजिटिव है दैट मीन वर्चुअल इमेज, नेचर ऑफ इमेज में क्या बताया जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ नेचर ऑफ इमेज पूछा गया, फिर बाद में पूछा जाएगा नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस में क्या बताया जाएगा, नेचर ऑफ लेंस में बताया जाता है बच्चों कि कौन सा लेंस है, वो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में बनेंगे, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना मुझे। तो एम निकालना है, पोजिशन ऑफ इमेज पर मुझे क्लियर है वी निकालना है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज पर मुझे एच डैश निकालना है, ये मुझे क्लियर हो गया, फॉर्मूले मेरे दिमाग में है। इस वाले से स्टार्ट करूंगा, पहले फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/v को इधर ले आऊंगा तो 1/f इधर हो जाएगा, -18 u को रखूंगा तो -18 आ जाएगा, ये माइनस इस वाले से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेशन करके मेरा v आ जाएगा। तो v को मैं उठा के किस पे रख दूंगा, m के फॉर्मूले में v/u, तो v को रख दूंगा, u मेरे पास -18 है तो m मेरे पास आ जाएगा। जैसे कि इसका m कितना रखा है, इसने अपने तरीके से कर दिया, हमें यहाँ से m निकालना है। तो m आप v आपका 36 आ रहा है, 36 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास u आ जाएगा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर आपके पास अगर m आ जाए v/u से, तो m की वैल्यू को h'/h के सामने रख देना, तो m आपके पास है, h आपके पास है, तो ये भी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका नेचर, इसका रे डायग्राम बना दिया, उसने कैसे रे डायग्राम बनाया, बहुत सिंपल था। पहली बात फोकल लेंथ उसे कितनी थी, 12 उसने कही, फिर उसने बताया कि u कितना है, u उसने बताया कि 20 है, 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए थी, 24। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट 12 से ज़्यादा है और 24 से कम, तो यही पोजीशन वो बचती है जिसे वो लेके आ सकता है। और आपकी ट्रिक से कौन सी पोजीशन होगी, 1, 2, 3, 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन आपको पता है इसके 2F के बाद बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ये आपने यहाँ बताया है रियल होगी, साइज में यू 20 होगा एक्सेट्रा। ओके, नेचर आपने बताया, वर्चुअल वगैरह सारा कुछ वहाँ बताया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम, जैसे ये लेवल डायग्राम दिखाया है, ठीक है। एज सीन यूज इज नॉट एट द ट्रू पोजिशन, ठीक है। पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, क्या होता है कि सन से जब लाइट आती है आपके पास, जो अर्थ होती है आपके पास, उसमें छोटे 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 एयर पार्टिकल्स होते हैं। एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को डाइवर्ट मतलब बेंड कर देते हैं। क्यों बेंड कर देते हैं सर, वो तो बेंड नहीं करना चाहिए। देखिए आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में आप ऐसे लाइट लेके आते हैं, फिर उसे बेंड कर देते हैं, दबा देते हैं थोड़ा सा, ऐसे ओरिजिनल की तरह नहीं लेके जाते, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एयर होती है, यहाँ आप ग्लास मानते हो, ठीक है, यहाँ आप ग्लास मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था ये एयर है, ये ग्लास है, ये थोड़ा कम गाढ़ापन है, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है, इसके कारण लाइट बेंड हो जाती है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगती है बच्चों, कैसे, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, यहाँ क्या है वैक्यूम, और यहाँ क्या है एयर। तो एयर से वैक्यूम में जाना मतलब विदाउट एनी मटेरियल से एयर वाले मटेरियल में जाना, तो लाइट को बेंड होना ही पड़ेगा बच्चों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कॉज बाय द अर्थ एटमोस्फेयर हैविंग द लेयर ऑफ द वेरी ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया। ओके,
तो आई होप ये एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ। अब बात मुझे करनी है लेवल डायग्राम से। ये डायग्राम आपको 10th क्लास में बुक में पढ़ाया होगा कि यहाँ स्टार है, स्टार से जैसे लाइट आई होगी अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर आने के बाद उसे बेंड होना पड़ा, बेंड होते हुए ऐसे चलेगी। फिर हम जो देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि स्टार वहाँ, क्यों? क्योंकि हम इस लाइन को ये नहीं सोचते कि बेंड हुई होगी, हमारे लिए ये होती है कि सीधी आई है, क्योंकि हमें जो दिखेगा उसके लिए हम बोलेंगे। तो बेंड होना तो हमें कभी लाइट का दिखा ही नहीं, क्या दिखता है क्या तुम्हें? नहीं दिखता, इसलिए तुम सोचोगे डॉटेड 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 में, ये तो वहाँ से आई है। और वहाँ एक्चुअल पोजिशन दिखती है, तो अपीरेंट पोजिशन दिखाई देती है, और बल्कि वहाँ पर वो होती नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ, लेवल डायग्राम आपको क्लियर हुआ। और अब इसका आंसर यहाँ पर, ये सारा आंसर यहाँ पर लिख दिया गया, लाइट ऑफ द स्टार रिफ्रैक्टेड एज द लीव द स्पेस इंटर द अर्थ एटमोसफेयर, मतलब यहाँ से निकल के वैक्यूम में होती हुई अर्थ के अंदर घुसती है। एयर हायर अप एंड द स्काई केयर बट द नियर द अर्थ इज डेंसिटी, मतलब यहाँ की डेंसिटी अलग होगी, सो द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड देन द अपीरेंट पोजिशन विल बी चेंज। तो आई होप ये क्लियर है। स्पेस में से अगर कोई कहे कि मैं अर्थ के बाहर से देखूं, तो अर्थ के बाहर से भी चेंज होती है, क्योंकि बहुत दूर से लाइट आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट फोर प्रिकॉशंस विच ए स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व व्हाइल डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस मतलब बहुत दूर। तो देखिए, जो लेंस है शुड बी हेल्ड एट द वर्टिकल पोजिशन में होना चाहिए, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादातर इसी लेंस को लेते हैं। एंड द पैरेलल टू द स्क्रीन, जितनी भी लाइट्स होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, या स्क्रीन ऐसे है तो उसके साथ ऐसे खड़ा होना चाहिए। सेकेंड है, एक क्लियर एंड शार्प इमेज शुड बी ऑप्टेन ऑन द एडजस्टिंग पोजिशन ऑफ द लेंस, मतलब इसके ऊपर जो भी इमेज बनेगी, जैसे लाइट्स ऐसे आएंगी फिर वो किसके ऊपर कंबाइन हो जाएंगी, स्क्रीन के ऊपर कंबाइन हो जाएंगी, तो स्क्रीन बड़ी क्लियर दिखनी चाहिए। 3 ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन एटलीस्ट, मतलब कम से कम बच्चे को 3 ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। 3 ऑब्जर्वेशन कैसे, कि एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लिया, फिर एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लिया, फिर एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ माना। लास्ट है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी मार्क्ड एंड टेकन बाय द कंसिडरेशन ऑफ द व्हेन द प्रॉपर इमेज इज फॉर्म्ड। तो उसे जब भी इमेज लेनी चाहिए, जब मतलब धुंधलापन होगा तो इमेज नहीं लेनी चाहिए, जब उसकी इमेज शार्प होगी, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल होगी, तभी आपको इमेज लेनी चाहिए। तो आई होप ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं।